हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रिफिड यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसलिए आज मेरी जो भी सभी प्यारी सहेलियां हैं उन सभी सहेलियों को और सभी महिलाओं को मेरी ओर से इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वुमेंस डे जो है उसका सेलिब्रेशन यानी ऐसा है कि एक स्त्री को हमारी पूरी कम्युनिटी में एक अच्छा सम्मान मिल रहा है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं यानी पुराने ज़माने से झांसी की रानी यानी शोभा को बनाने वाली जीजा माँ और ऐसी बहुत सारी जो प्रेरणादायी महिलाएं हैं या फिर प्रतिभा पाटिल है जो राष्ट्रपति पद पर भी हमारी यानी स्त्री ने झंडा गाड़ दिया है। तो हर एक क्षेत्र में जो है वो लेडीज जो है वो आगे बढ़कर काम कर रही है, हर एक क्षेत्र में अपना मुकाम बना रही है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी एक इच्छा शक्ति अपने पास होनी चाहिए और ऐसे खुद से एक ठानना है हमें कि हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है और वो सभी लेडीज दिखा ही रही है। लेकिन अगर हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना है तो अपनी सेहत अगर अच्छी है तभी हम जो भी हमारा मुकाम है उसको हासिल कर सकते हैं। और आज की जो स्त्री है उसको बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी उन्होंने भी जकड़ लिया है। तो ये सभी समस्याएं आने का एक तो रीज़न है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही चेंज हो गई है, यानी हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उस वजह से भी हमें बहुत सारे बदलाव जो है वो दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में कैसा था कि बहुत सारी लेडीज़ जो है वो अपने घर के काम खुद करती थी और ऐसे मशीन्स नहीं थे इस्तेमाल के लिए, तो सब काम वो खुद अपने हाथों से करती थी और उसमें उसकी अच्छे से कसरत होती थी। लेकिन अभी जो लाइफस्टाइल है फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल बन गई है, हर एक लेडी जो है वो घर का काम, बाहर का काम या फिर जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, ऐसी अनगिनत जिम्मेदारियां जो है वो निभा रही है और इसमें उसको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं, जिस धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, पहले जो सिलबट्टा था वो सिलबट्टे की जगह मिक्सर ने ले ली है, सीढ़ियाँ जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस जगह पे लिफ्ट आ गई है। तो ऐसी बहुत सारी सुख सुविधा जो है वो हमें मिल रही है। लेकिन इन सभी सुख सुविधाओं के साथ हमारी जो सेहत है वो भी उतनी ही उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है और हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने की वजह से उसका हमारी शरीर पर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी लेडीज़ में, लगभग 80% महिलाओं में थायराइड की बीमारी दिखाई देती है, बहुत सारी लेडीज़ में डायबिटीज़ के जो लक्षण है वो यानी डायबिटीज़ बीमारी दिखाई देती है, एनेमिक बहुत सारी लेडीज रहती है। और जब एडोलसेंट रहते हैं तो अब इस नए नए लाइफ स्टाइल चेंज मूविंग लाइफ स्टाइल में बहुत सारी लड़कियों को पीसीओडी एनीमिया की तकलीफ है, फिर आगे जाकर अगर पीसीओडी है तो उस वजह से उनको इनफर्टिलिटी की तकलीफ होती है, बाद में फिर डिलीवर के बाद लैक्टेशन की रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, फिर मीनोपॉजल चेंजेस है वो रहते हैं, यानी लेडीज के जो हार्मोन्स है वो यानी बदलते रहते हैं, उनका लाइफ जो है वो बहुत ही यानी नाजुक रहता है और उनमें कई सारी स्टेजेस आती है। और इन सभी स्टेजेस के साथ ही उनमें दो घर की जिम्मेदारी भी रहती है, यानी मायके की और ससुराल की, वो दोनों जिम्मेदारियां जो है वो बखूबी निभाती है और उसके साथ इसके साथ ही उनकी पढ़ाई रहती है, उनका जॉब रहता है, उनका घर रहता है, इतने सभी सारे काम वो खुद से करती है। और इन सभी कामों के साथ अगर वो अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दे तो वो सही मायने में अपने घर को अच्छे से संभाल सकती है। क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी घर की जो जिम्मेदारियां है वो तो सही तरीके से निभाते हैं बट हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने डाइट में, हमारे रूटीन में थोड़े बहुत चेंजेस लाने हैं और हम अगर ऐसे चेंजेस लाते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो सही मायने में अच्छी तरीके से गुजर सकती है।
और इसीलिए हमें हमारे डाइट में हरे पत्ते वाली सब्जियां, अंकुरित अनाज है, ड्राई फ्रूट्स है, सूखे मेवे है, या फिर ऑयल सीड्स है जैसे कि पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, जवस के बीज है, अखरोट है, तो इन सभी चीज़ों का हम अगर सही मायने में सही तरीके से बैलेंस मील लेते हैं तो हमारी जो बहुत सारी तकलीफें हैं वो कम हो सकती है। हमारा अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस हो सकते हैं, बट इसका जो उपयोग है वो सही तरीके से और बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है कि आपको ये चीज़ें खानी है मतलब ये पेट भर के ऐसे ही खाना है, ऐसा नहीं है। आपके सेहत के हिसाब से आपको कितना ज़रूरी है उस हिसाब से आपका डाइट प्लान होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का रूटीन भी डेली होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और धूप में भी जाते हैं तो आपको विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होगा, उस वजह से घुटनों की तकलीफ जो है वो कम होगी, और स्किन पे एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी स्किन जो है वो अच्छी बनी रहेगी और आप हमेशा यंग और ब्यूटीफुल दिखाई देंगी। तो इतने सारे फायदे आपको मिल सकते हैं आप अगर आपकी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाती है तो निश्चित रूप से आप इन लाइफस्टाइल के चेंजेस को अपनाएंगी और अपनी जिंदगी जो है वो खुशहाल बनाएंगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और फिर से आपको महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।